साथियों नमस्कार। और वाकई में ये जो ब्लॉग है आप सभी लोग अगर देखेंगे पूरी ईमानदारी से, उम्मीद है आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा। और दोस्तों आगे जरूर ब्लॉग के साथ साथ आप सभी के बीच बंगाली लैंग्वेज में हमारे प्रभाकर भाई हैं जो आपके भी आपको गाइड करते रहेंगे और मैं भी बीच बीच में आपको इस जगह आने का मार्गदर्शन जरूर करूंगा। मैं बताऊंगा किस तरीके से आप इस जगह को जा सकते हैं, कितना यहाँ पे आपका खर्चा हो सकता है, ये सारी चीज़ के बारे में। तो दोस्तों चलिए ब्लॉग को पहले शुरू करते हैं फिर आगे बात को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। हेलो बंधुरा, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज के अच्छी दिल्ली से सकाले एस तो आसार ब्लॉगटा कंटिन्यू करते पर कारण मैं ट्रेने एत भीड़ छो तुम्हारे कि बोलो और प्रचुर परमाणे लेट कर जार कारण ट्रेन ब्लॉग हमें करी और आसार ब्लॉग हमें किच्छू करी। तो हमें एख जा घूरते बैरिए तो बंधुरा आज है और सामने आज चलो देखा तुम्हारे तो पूरे ब्लॉग कंटिन्यू देखें स्किप करना चलो मिस गो। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर अक्षरधाम आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको न्यू दिल्ली उतरना है। आप कहीं से भी आए आपको पता होगा वहाँ से आप जनरल में आ सकते हैं, आप रिजर्वेशन में आ सकते हैं, आप चाहे तो एसी में आ सकते हैं। और जैसे आप न्यू दिल्ली स्टेशन में उतरते हैं तो वहाँ पे आपको सामने ही मेट्रो स्टेशन मिल जाता है। और जैसे आपको मेट्रो स्टेशन मिले आप सीधा वहाँ से अक्षरधाम का टिकट बना ले, जो टिकट का कीमत लगभग आपका 35 से 40 रुपये पड़ेगा। आप अक्षरधाम में उतर जाएं और अक्षरधाम में उतरने के बाद आप देख सकते हैं ये व्यू है। अक्षरधाम स्टेशन से ही मेट्रो स्टेशन से आपको ये वाला व्यू नज़र आ जाएगा, दूर से आपको अक्षरधाम दिखेगा। तो वहाँ से आपको कोई टोटो ऑटो कोई भी गाड़ी नहीं बुक करना है, आप सीधा निकलेंगे, बस दो कदम जाएंगे तो आपको मेन रोड की साइड में अक्षरधाम दिख जाएगा। क्योंकि वहाँ पर ऑटो रहते हैं टोटो रहते हैं जो आपको बहकाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं बहुत दूर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप यहाँ सीधा जा सकते हैं पैदल, आपको 2 से 4 मिनट लगेगा पैदल जाने में। और हाँ एक बात है, जैसे आप यहाँ अक्षरधाम में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एंट्री लेने के पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, ना ही आप ड्रोन लेके जा सकते हैं ना और मोबाइल लेके आप अंदर तो नहीं जा सकते। वहाँ पे आपका जगह है जहाँ आपको मोबाइल वगैरह आपका सब कुछ वहाँ पे जमा कर दिया जाता है, तो अंदर में आपको फ़ोटो खींचने का कोई भी मौका नहीं मिलता है। ये सुरक्षा के बल पर ऐसा किया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। তো আমিও চেষ্টা করছি যে কিছু হলেও ভিডিও বা ফটো তুলে তোমাদের দেখানোর, যে আমরা এসছি প্রচুর বড় মন্দিরটা, প্রচুর হেভি সুন্দর দেখতে, ভেতরে কী আছে আমি ফার্স্ট টাইম এলাম, তো ব্লগ অ্যালাউ নেই এখানে, তবুও আমি চেষ্টা করব দেখানোর জন্য। दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से लाइन में लग के आपको आपका मोबाइल वगैरह जमा करना पड़ता है, सिर्फ पानी का बोतल लेकर अंदर जा सकते हैं, बाकी और कुछ लेके नहीं जा सकते हैं। और दोस्तों बेमिसाल बहुत ही कमाल की अंदर का जो व्यू है जब आप जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। मैं तो बस आप सभी को इतना एडवाइस दूंगा, अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो ज़रूर एक बार आप अक्षरधाम का दर्शन ज़रूर करें। तो आगे ब्लॉग को कंटिन्यू देखें और इसका आनंद लें। धन्यवाद। Thank you.
তো গাইজ আমি ভেতর থেকে ঘুরে চলে এসেছি, আর ভেতরে সত্যি কথা বলতে খুব সুন্দর একটা জায়গা। আর সব থেকে যেটা ভালো লাগলো, মোবাইলগুলো জমা রেখে গেছি, কারণ আমরা সব আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বেশিরভাগ সময় আমরা মোবাইলে টাইম পাস করে থাকি, সময়টা মোবাইলের পিছনে নষ্ট করে থাকি। কিন্তু আজকে এখানে মোবাইলটা জমা দিয়ে আমরা প্রায় 2.5-3 ঘন্টার মতো ভেতরে ছিলাম, তো খুবই সুন্দর লাগলো জিনিসটা, খুবই ভালো লাগলো। আরও ভালো লাগতো যদি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারতাম। তো জিনিসটা দেখার জন্য তোমাদের সবাইকে এখানে আসতে হবে, তো এসে তোমরা ভিজিট করো, খুব সুন্দর জায়গা। আর আমরা এখন বেরিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু নাইটে তোমাদের এখানে শো হয়, অনেক কিছু শো আছে, টিকিট কেটে সেগুলো দেখতে হবে। আর হ্যাঁ, এখানে কোনো এন্ট্রি ফি লাগে না ভেতরে যাওয়ার জন্য, শুধুমাত্র শো দেখার জন্য এন্ট্রি ফি লাগে। আর যদি তুমি কোনো খাওয়া দাওয়া করো, ওখানে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আছে, ওগুলো করলে তোমাকে টাকা পে করতে হবে। তো বাকি তোমরা আসো, খুবই সুন্দর লোকেশন, একটা খুব সুন্দর জায়গা। তো আমি যেটুকু ক্যাপচার করতে পেরেছি সেটুকু আমি ব্লগে দিয়ে দেবো, পুরো ব্লগটা কন্টিনিউ দেখবে। दोस्तों बहुत ही शानदार प्लेस है, आप सभी लोग जरूर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।